और ये हमारी माटी धरना प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है और ये ही हमारे भारत की जगह जगह जाकर के हमारी इन्फॉर्मेशन देता है और हमारी वाणी प्रचार प्रसार का प्रयास करता है। मैं बताना चाहता हूँ भाइयों, इस सरकार ने आपके साथ क्या किया है। कानूनी पॉइंट पर मैं बताना चाहता हूँ, इन्होंने सबसे पहले हमारे रोजगार, हमारी रीढ़ की हड्डी पर वार किया है जिसे हम रोजगार कहते हैं। नोएडा, नोएडा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चिंगारी जाती है, वो चिंगारी प्राइम मिनिस्टर तक को झुकाती है। आपने देखा होगा 13 महीने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रहलाद भाटी जी ने सर्वप्रथम उन्होंने अपना अपनी यूनिट को लेकर के धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उसके बाद तो तमाम यूनिटें आ गई थी लेकिन शुरुआत भाटी जी की थी। उस शुरुआत से जहाँ खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है और इस लाइन के कारण जो 13 महीने बाद सरकार छोड़िए प्राइम मिनिस्टर तक को झुकना पड़ा और ये धरना प्रदर्शन पक्का सफल होगा। मैं आपको कहता हूँ भाइयों, पहले किसानों में अपने बताइए और ये कहिए हमारी जाति किसान जाति है, इसमें कोई जाति नहीं है, कोई यूनियन नहीं है, किसान जाति है। हम किसान जाति किसान के लिए मर मिटेंगे और सभी भाइयों हर गांव से हर एक मित्र का एक मित्र होता है, वो अपने मित्र को आमंत्रित करे कि भाई इस धरने में जाना है। और मैं पुलिस को बताना चाहता हूँ कि ये लाठियां जो भाज रहे हैं आप, ये अपने माता पिता को भाज रहे हैं जिन्होंने तुम्हें बड़ा करके और इस पुलिस में भर्ती कराया था और ये एहसास कराया था कि मेरा बेटा जाएगा और हमारे जितने भी हमारे किसान है उनकी रक्षा करेगा। ये नहीं कहा था कि उनके किसान को अपने माँ बाप पे जाके लाठी बांधेगा। वो काम कर रहे हैं। यहाँ से अलाउ के माध्यम से बता दो ये धरना नहीं, ये चिंगारी है। ये चिंगारी लखनऊ तक जाएगी और वहां पर जमा बड़ा कर देगी और ये मालूम पड़ जाएगा, ये एहसास हो जाएगा कि धरने की जो चिंगारी कहां से शुरू हुई थी, ये एनटीपीसी नोएडा से शुरू हुई थी और ये इसके जो भी है।